स्टोलन ये नेटफ्लिक्स की एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत सीन्स देखने को मिलते हैं जैसे आपने शायद ही कभी देखे होंगे। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जो बचपन में कुछ ऐसा देख लेती है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। एक्चुअली यहाँ पर कुछ बुरे लोग ऐसा शिकार करते हैं जो गैरकानूनी है। बचपन में ही ये लड़की पुलिस को भी रिपोर्ट करती है जिसके बाद ये कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। उसके बड़े होने के बाद भी ये क्राइम्स खत्म नहीं हुए हैं, तो इसके आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की स्टोरी कुछ खास नहीं है लेकिन इसका सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रियल इवेंट्स पर बेस्ड है, मतलब इसकी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसका डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद आया और टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बढ़िया थे। बर्फ में जिस तरह से बेहतरीन सीन्स को शूट करके दिखाया है वैसा आपने शायद ही कभी देखा होगा। मूवी के 99% सीन्स रियल है, बस एक दो जगह पर ही विजुअल इफेक्ट्स का यूज़ किया होगा। तो इस मूवी में आप जो भी कुछ देखते हो वो सारे रियल सीन्स हैं। अगर मैं सिर्फ इसकी कहानी की बात करूँ तो वो कुछ खास नहीं है और काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मतलब कुछ जगह पर ऐसा भी लगता है कि मूवी को ज़बरदस्ती लंबा खींचा है। हालांकि फिर भी मूवी का जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से आप मूवी के साथ कनेक्टेड रहते हो। मेन कैरेक्टर को यहाँ पर अच्छी तरीके से डेवलप किया है लेकिन बाकी कैरेक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा मूवी आपको बहुत ही कम जगह पर थ्रिल करती है, ज़्यादातर ये एक ड्रामा मूवी लगती है। आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें थ्रिलिंग मूवमेंट्स ना के बराबर है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शुरुआत से लेकर एंडिंग तक आपको सिर्फ अमेजिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। ये लगभग 1 घंटा और 45 मिनट की मूवी है और बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सिनेमाटोग्राफी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। जैसा कि मैंने कहा, इसमें आपको काफ़ी ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्क्रीन प्ले को इम्प्रूव करना चाहिए था और इसे फास्ट पेस्ट रखना चाहिए था। हिंदी डबिंग बढ़िया है और इसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है, बस एक किसिंग सीन है। प्रो ऑडियंस को ये कुछ खास पसंद नहीं आएगी और ओवरऑल ये एक ठीक ठाक डिसेंट मूवी है। अगर आपको रियलिस्टिक ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो ही आप इसे देखना। इसके अलावा दोस्तों, मैंने डार्क मैटर का ट्रेलर और फॉलोआउट सीरीज़ का रिव्यू भी किया है, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। 'Cause I've been living like-